पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने आज पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय पर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर बधाई दी। इस दौरान जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया है। नेहरू के जमाने से भ्रष्टाचार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि नोटों की गिनती अभी तक चल रही है। कि पहले एक साल में 200 बच्चे जो है यंग बच्चे जो आतंकवादी संगठन से जुड़ जाते थे, आतंकवाद में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था, लेकिन अब घटते 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 अब मात्र 12 हो गए और वो 12 आइडेंटिफाइड है। कौन है? कुछ दिनों में ये 12 भी ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ से आतंकवादी घटना जो आतंकवादी संगठन और उन जो आतंकवाद की घटना होती है वो पूरे तौर से शून्य हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमारे जवान अपनी शहादत देके देश के उस पार्ट में जो आतंकवाद था उसको ख़त्म करने में कामयाब हो रहे हैं। खास के देखिए, हम लोगों ने जो भी काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बुज़ुर्गों के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, या फिर SC ST समाज के लिए हो, या फिर और भी जो कमज़ोर तबका है सबके लिए किया है, वो सारी चीज़ें हमारे जो है कोशिश उस तरह की रहती है। आज कांग्रेस पार्टी हार सारे राज्यों में हार रही है। उन्होंने जो वायदे किए थे कर्नाटका में, झूठे वायदे, वो धीरे धीरे जाके वो एक्सपोज हो रहे हैं। और वो झूठे वायदे जो उन्होंने किए थे, उन्होंने पूरा ना हिमाचल में किया है, ना कर्नाटका में किया है, और इसलिए जहाँ जहाँ उसकी सरकार थी धीरे धीरे वो हारते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एक घमंडिया गठबंधन है उनको हार की चिंता नहीं, वो आज भी झूठ का सहारा लेके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी आप देखिए साउथ में वो हिंदी और हिंदू और जो भारत और हिंदू को लेके कहीं ना कहीं चर्चा करते रहते हैं और उसके खिलाफ काम करते हैं। DMK जैसी पार्टी भी उनके इशारे पे जो है काम कर रही है। और जो साउथ और नॉर्थ हिंदी स्पीकिंग और जो वहाँ की जो भाषा है उनके बीच में कहीं ना कहीं जो है गैप क्रिएट कर रही है। ये इसलिए करना चाहते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की एक सोच है कि देश को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, समाज को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, जब उनको समाज को कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों में बांट देंगे तभी इनको शायद इनको जीत मिलेगी। लेकिन देश की जनता ने समझ लिया है कि जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमारा लक्ष्य पूरे देश के लिए, न कि किसी समुदाय के लिए, ना एक किसी क्षेत्र के लिए, ना एक किसी वर्ग के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, खासकर जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका, उसके लिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।